सारो कपड़ा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के कामों से हो गई है और इधर हम चाय वाय पी के उसके बाद काटने लगे हैं सब्जी। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे कटहल। तो दोस्तों, इधर हम सब्जी पहले काट के रख देते हैं, उसके बाद अभी हमको मसाला भी पीसना है, जो कि आज हम सील पर मसाला पीसेंगे खड़ा वाला। तो हमारा पिसा हुआ मसाला ख़त्म हो चुका है, तो हमने खड़े वाले मसाले मंगाए हुए हैं। तो इसमें बारिश हो रही है, सूख नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम पीस नहीं रहे हैं। तो हम अपने सील पर ही पीस कर डाल देंगे, सब्जी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सील का पिसा हुआ मसाला बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और अच्छा भी लगता है। पर हम बाबू की वजह से डेली नहीं पीसते हैं, क्योंकि हाथ बहुत ही कड़ू हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इकट्ठा ही पीस कर रख लेते हैं मिक्सी में। तो आज तो हमें मजबूरी में पीसना पड़ेगा। तो इधर हमारी सब्जी कट चुकी है, उसके बाद हम पीसने लगे हैं मसाला। तो इधर हमने थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा लिया है, छोटी सी ही गांठ थी हल्दी की, तो उससे हमने आधी कर ली है। तो हल्दी पहले पीस लेंगे, महीन कर लेंगे, उसके बाद पीसेंगे मिर्च अपनी, लाल मिर्च। तो कम से कम 8-9 मिर्च ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कड़वा खाया जाता है, मतलब कड़ू सब्जी ही सभी को पसंद है, बहुत ज़्यादा मिर्च पसंद है सभी को। और कटहल वगैरह तो चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने 7 से 8 मिर्च डाली हुई है। और एक प्याज हमने छील लिया है, तो उसको भी काट के इसी के मसाले के साथ पीस लेंगे। और अब हम अपनी मिर्च पीसेंगे, फिर बाद में धनिया अच्छे से महीन कर लेंगे। तो एक एक चीज़ करके हमने महीन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इधर हमने अपनी धनिया भी पीस ली है, और साथ में जो हमने एक प्याज काटा हुआ था वो भी पीस लिया है, और लहसुन भी थोड़े से 2-4 कलियां पीस ली हैं। और फिर बाद में लहसुन से छौंक देंगे, और इसे के साथ हम प्याज पीस लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगने लगती है सब्जी। तो हम मसाले के साथ ही पीस लेते हैं, अलग अलग नहीं, मतलब भूनते हैं, मसाले के साथ ही पीस कर भून लेते हैं जब भी मसाला सील पर पीसते हैं। तो दोस्तों, इधर हमने अपनी कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है तेल डालकर। तो इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सरसों का तेल नहीं है, और हम रिफाइंड ऑयल से सब्जी बनाते हैं, तो ये रिफाइंड ऑयल है, और इससे भी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, ऐसा नहीं है। और हमें अब ना, मतलब ये वाला तेल खा रहे हैं, तो हमें वो सरसों वाला अच्छा नहीं लगता है। तो इधर हमारा लहसुन पक चुका है, उसके बाद हमने अपने डाल दिए हैं मसाले। तो और मसाले हमारे जब तेल छोड़ देंगे, उसके बाद डाल देंगे कटहल की सब्जी जो हमने काट कर रखी हुई है धुलकर। तो दोस्तों, इधर हमारे मसालों ने अच्छे से खूब तेल छोड़ दिया है, अब हम अपनी सब्जी को छोड़ देंगे इसमें और अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। और हमने मसाले के साथ ही खड़ा वाला नमक पीस लिया था, क्योंकि हमारे सील में दांत नहीं है तो मसाला पीस नहीं रहा था, तो हमने खड़ा वाला नमक थोड़ा सा डाला था जितना हमारे सब्जी में पड़ेगा, तो हमने साथ में ही पीस लिया था, क्योंकि खड़ा वाला थोड़ा सा नमक डालो ना तो मसाला जल्दी से पीस जाता है, महीन हो जाता है। तो हमने उसी के साथ नमक भी पीस लिया था। वैसे आप लोग देखते हैं कि हम पिसा हुआ नमक यूज करते हैं, खड़ा वाला नमक से हमें अंदाज बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आज हमने ना खड़ा वाला ही पीसा है मसाले के साथ में। तो इधर हमारी सब्जी छौंक गई है, तब तक हम लगा लेते हैं आटा। और इधर हमने अपनी सब्जी पकाने भर के लिए बराबर से डाल दिया है पानी, तो कटहल ना थोड़ा टाइम लग जाता है पकने में,
तो इधर हमने थोड़ा सा ही पानी डाला है, थोड़ी सिकसिकी से सब्ज़ी हमारी बने, ज़्यादा रसा वाली नहीं रखेंगे। और हमें कटहल ना थोड़ा सूखा ही पसंद है। तो इधर हम लगाने लगे हैं आटा, सब्ज़ी हमारी जब तक पक रही है। तो दोस्तों इधर हमारा आटा भी लग चुका है, और इधर जब तक हमारी सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए, कटहल जिसको पसंद है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर हम बनाने लगे हैं रोटियां, तो रोटियां जल्दी से सेक देते हैं, उसके बाद सार्थक के पापा को थाली परोस कर दे देंगे। वो भी तैयार होकर आ गए हैं नहाकर, उनको भी जाना है जल्दी से दुकान पर, उनका भी फोन आ रहा है पेशेंट का, तो इसीलिए जल्दी से रोटी सेक देते हैं और उनको दे देते हैं खाने के लिए। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमें मतलब ढेर सारा प्यार दिया। तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना, ताकि हमें भी रिप्लाई देने में अच्छा लगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को फुल वॉच करा करिएगा, ताकि हमारा जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो सके। इधर हमारे बाबू की आवाज़ आ रही है कि वो रोने लगता है बार बार, तो उस पर आप लोग गौर मत करिएगा। तो हमारे बच्चे ना बहुत ही परेशान करते हैं, हमें वीडियो एडिट करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हम अकेलापन ढूंढते रहते हैं कि कब हमें अकेलापन मिले तो हम जल्दी से अपना वीडियो एडिट करें। तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग घर ही में रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से हम वीडियो बना पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से एडिट कर पाते हैं। एडिट तो हम रात में कर लेते हैं, पर वॉइस ओवर करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी सी मेहनत हमारी दिखे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इधर हम आप सभी से मिल रहे हैं लमसम वही 3 बजे। तो इधर हम धुलने लगे हैं कपड़े, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बादल था, तो अभी हल्की सी धूप निकल आई है और लाइट भी आ गई है, तो हमने कहा चलो कपड़े धुल के डाल देते हैं। तो ये इतने सारे कपड़े हमारे बच्चों के इकट्ठा हो गए हैं सिर्फ एक दिन के, जो कि बारिश होती है तो बार बार से ये मिट्टी में गंदे कर कर के डालते रहते हैं, भिगा लेते हैं कपड़े बहुत जल्दी से। तो 2-3 जोड़ी तो बाबू ने किए हैं और सार्थक ने किए हैं, तो दोनों बच्चे हमारे हमें बहुत परेशान कर लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से मतलब वीडियो बनाने देते हैं। तो इधर ये देखिए बाबू हमारा यहीं पर बैठा हुआ है, जो कि साइड में है, दिख नहीं रहा है, तो उसको भी हमने पास में बिठा लिया है, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, सभी लोग मक्का में लगे हुए हैं, क्योंकि बादल हल्के हल्के से आ रहे हैं तो सभी लोग मक्का समेट रहे हैं। तो हमने कहा चलो ये अकेले नहीं छोड़ेंगे इसको, कहीं चोट वोट मार लेगा, तो इसलिए हमने पास में बिठा लिया है, तो वो भी यहीं पर खेल रहा है और हम कपड़े अपने धुलते जा रहे हैं। तो इतने सारे कपड़े बच्चे हमारे इकट्ठा कर देते हैं एक दिन के धुलने के लिए। तो इधर हम बच्चों को डांट रहे थे, जो कि शैतानी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं पे हम गुस्सा कर रहे थे, पर बच्चे ना बहुत डांटो ना तो चोट वोट मार ही लेते हैं, तो इन बहुत ही डांटना पड़ता है बच्चों को। सार्थक को डांट रहे थे इधर हम, और इधर तो दोस्तों इधर हमने सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं रस्सी पर, और बारिश भी जब तक आ गई थी तो सारे कपड़े हमारे धुल गए थे और हमने डाल दिए हैं, तो बारिश भी आ गई है। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं कितना सारा कपड़ा हमने धुला है, तो अभी बारिश होने लगी है और गीले हैं कपड़े, तो हमने कहा चलो ऐसे ही डाल देते हैं, बारिश में ही डाल दिए हमने। तो इधर बहुत सारी बारिश हो गई है फिर से, और अभी भी बादल हैं काफ़ी,
शाम तक बारिश हुई थी, अंधेरा हो गया था उसके बाद तक बारिश हुई थी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब मौसम अच्छा हो गया है और हमारे फुलवारी भी बहुत अच्छी सी हो गई है, बहुत ही खिले खिले से फूल लगे हुए हैं सदाबहार के। और ये है मिर्च का पेड़ जो कि खुद से निकल आया था इधर, यहाँ पे हमने बीज डाल दिया था तो इधर हमारा मिर्च का पौधा बहुत ही अच्छा खड़ा हुआ है और इसमें फूल बहुत सारे आ गए हैं मिर्च आने के लिए। तो इसमें कुछ दिन बाद मिर्च भी आने लगेगी। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। जो दोस्त न्यू आते हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप सभी को नमस्ते।